युग के अंत की और कहते हैं हम बात असुरों का भी बढ़ रहा सुजग में अत्याचार। द्वापर युग के अंत की बात है बेटा, परीक्षित बताया इतना अत्याचार हो रहा था, इतना अत्याचार हो रहा था कि छोटे छोटे राजा अपनी अपनी बात को लेकर के झगड़ जाते थे। बोले कैसे, मगीरा से ले कर सागर तक और था आस्त मास्त देश सारा। खुले शब्दों में कह दिया है, भारत में छोटे छोटे राजा महाराजा छोटी छोटी लड़ाइयों को लेकर के झगड़ जाते थे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इसी यदुवंश में राजा हुए थे जिनका नाम था शुक्ल की बेटी है और जवाब दिया तुम ब्राह्मण की बेटी हो और यादव कुल में जाओगी तो सारा ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा, नाक कट जाएगी। परीक्षित जी खड़े हो गए, परीक्षित जी खड़े हुए, सुखदेव जी से पूछने लगे, प्रभु एक बात बताओ, जब बेटी ब्राह्मण कुल की थी तो क्षत्रिय को क्यों दी गई? बोले बेटा ये है, शुक्राचार्य ब्राह्मण की यहां पर आज भैया जवाब दिया है, लक्ष्मण कुछ ज्ञान मार्ग की बातें सीख लो। तो लक्ष्मण जाकर के रावण के सर की तरफ खड़े हो गए और जब सर की तरफ खड़े हो गए तो रावण मुख से बोला नहीं, काफी देर तक खड़े रहे और लक्ष्मण ने आकर के कहा भैया वो तो बोल भी नहीं रहा है। बोले आप कहाँ खड़े हुए? बोले हम सर की तरफ हुए। बोले कुछ नहीं होगा, अगर किसी से कुछ लेना होता है तो छोटे बनकर के लेना चाहिए, आप चरणों की तरफ खड़े होते तो रावण अवश्य तुम्हें कुछ ना कुछ देता। भगवान राम जाकर की चरणों की तरफ खड़े हो गए, रावण कहने लगा प्रभु क्षमा करो फिर भी मैं आपसे बड़ा हूं। बोले क्यों? जीते जी मैंने तुम्हें अपनी नगरिया में पैर नहीं रखने दिया और मैं जीते जीते तुम्हारी नगरिया में जा रहा हूं। कहने का मतलब है कुआ के पास में प्यासा जाता है और ना कि कुआ घर घर जाए। बोलिए गोविंद भगवान की।
भगवान राम वापस लौट करके आए। अयोध्या नगरी वालों को पता चला है कि राम लौट करके वापस आ रहे हैं। मेरे भैया उस अयोध्या नगरी को भिक्षा दे ही साधु का रूप बना करके आया है। सीता मैया जैसे ही फल लेकर के आई है तो कहा है रावण ने हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो ये तो बंदी हुई है। कैसी? रावण जब सीता को चुराने के लिए गया था उससे पहले मामा मारीच से कहा कि जाओ जाकर के सोने के मृग बन जाओ और पंचवटी के आसपास मंडराओ। सीता ने सोने के मृग को देखा तो भगवान राम को लेने के लिए भेजता जाओ सोने का मृग लेकर के आना। राम चले गए, मामा मारीच काफी दूर तक ले गया और जब बाण मारा तो मामा मारीच मर गया है और राम के भेष में बोला है भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। शेष अवतारी लक्ष्मण चले पंचवटी से तो रेखा को खींच गए। रेखा को, उसी रेखा को पार करने के लिए रावण ने कहा हमें बंदी हुई भिक्षा नहीं चाहिए। बोले तो आप इस रेखा से बाहर आओ। और सीता जी जैसे ही रेखा से बाहर आई रावण ने हाथ पकड़ा रथ में बिठाया लेकर के चला गया कहां लंका के लिए। अब तो भगवान राम लक्ष्मण सीता को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते महाराज आगे बढ़े हैं तो गीतराज जी ने साफ बता दिया कि लंका का राजा रावण लेकर के गया है। महाराज परीक्षित आज उसी समय भगवान राम वीर हनुमान जी की सहायता से सुंदर से पुल को बनाकर की तैयार किया है। लंका पर चढ़ाई की और जब लंका पर चढ़ाई की तो सबसे पहले दिन युद्ध करने के लिए लखन लाल गए और उधर रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया। युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को परास्त कर दिया। द्रोणागिर पर्वत पर हनुमान जी गए बूटी को लेकर के आए, लक्ष्मण जी को जीवित किया है। मेरे भैया युद्ध करते करते आज भगवान राम ने उस रावण का वध कर दिया है। बोलिए सच्चे दरबार की। जब युद्ध में वध करने के लिए भगवान राम चले तो लक्ष्मण से कहा है कुछ रावण से जाकर के सीख लो। क्यों? ये बहुत बड़ा विद्वान है। वसु सुन भीषण को भैया जानकी विभाती
सीता जी प्रगटे चलो भैया वन में प्रगटे आप लोमर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और अपने आंगन में पुत्र यष्टि यज्ञ कृच्छबा। तो महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया है। 743 रानियां बताई जाती हैं। कितनी? 743। लेकिन तीन पटरानी है। लेकिन महाराज परीक्षित, बात यह है कि महाराज दशरथ की आंगन में किसी भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। ये विचार करने लगे, आज नहीं तो कल मेरा निधन हो जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, भला अयोध्या पर राज कौन करेगा। सोचने लगे, क्या सोचा है महाराज ने? हो एक बार भू पति मन माही और कीन विचार मोर सुहल दशरथ क्या सोच रहे हैं? दीरवाय के पुत्र हुए रघु और रघु की पुत्र हुए महाराज दशरथ। ये महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। इन महाराज की तीन आरे भागीरथियों चले बेलमना मन में है कि
शब्दों में कहा गई। केसनी के पुत्र को बुलाया था जिसका नाम था सुमान। असुमान से कहा कि अपने भाइयों का पता करो वो कहां गए। तो महात्मा कपिल मुनि ने खुले शब्दों में बता दिया है उन्हें तो मैंने जल करके भस्म कर दिया। बोले उनका उद्धार कैसे होगा। तो कहा कि आप मृत लोक पर गंगा मैया को लेकर के आओ। असुमान ने काफी घोर तपस्या की मगर गंगा को लेकर के नहीं आ पाई। असुमान के पुत्र हुए दलीप और दलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने ब्रह्मा जी को मनाया है तो ब्रह्मा जी बड़े प्रकट हुए प्रसन्न हुए। कहा पुत्र पूछो तुम यहाँ क्यों आए हो कारण क्या है। बोले हमारे दादा परदादा जो है वो जलकर की भस्म हो गए। उनका उद्धार करने के लिए गंगा मैया का मृत लोक में जाना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को मनाया तो भगवान विष्णु ने गंगा मैया से कहा आपका मृत लोक पर जाने का समय आ गया है। अब तुम मृत लोक पर चली जाओ। आज मेरे भैया मृत लोक पर बोलेंगे के गुरुनी गई में जगाई और सो मती हाथी जैसे भूले नमी गुर भवन निज तरह न कोई और चाहे बिरंच संकल्प समा होई। बेगर गुरु के कल्याण नहीं होता है महाराज परीक्षित। ओ गुरु ने गई में जगाई सो मती हाथी जैसे भूले बनमी गुरु प्रदीप
तो श्री यमुना जी की पार पे और ठाड़ो नंद किशोर और झिलमिल है रयो सो कोई पीता पर को छोड़।